तो हेलो फ्रेंड्स, अब सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सबा बोटिंग में। तो फ्रेंड्स, हम टू लेयर वाला फुल अम्ब्रेला स्कर्ट का कटिंग स्टिचिंग में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, चलिए फिर कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें गहरे कट करने के लिए सबसे पहले आपको चरखुट कपड़ा इस तरह से ले लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले इसका मैं किस तरह से हमें कितना लंबाई कितना चौड़ाई हमें रखना है इससे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से हमें एक डबल फॉल के लिए कपड़ा ज़्यादा बड़ा है इसके लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें फॉल में 16.5 है तो खोलने के बाद 33 इंच हमारा हो जाएगा और 33 इंच का लंबाई चौड़ाई भी 33 इंच है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें 4 फोल्ड कर लेना है कपड़े को। तो फ्रेंड्स, ये खुला वाला मेरे साइड है, ये बंद वाला इधर है। अब ऊपर वाला घेरा कट करने के लिए देखिए इसका लंबाई चौड़ाई भी आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो लंबाई है 22 इंच है और इसका चौड़ाई भी है 22 इंच। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें लंबाई चौड़ाई हमें सेम रखना है दोनों का। इस तरह से अच्छे से 4 फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमें एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिला कर रख लेंगे घेरे को, कपड़े को। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अच्छे किनारे मिलाकर यहाँ से जो है फ्रेंड्स, हम कमर का जो गोलाई कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कमर का गोलाई आपको मार्जिन में समझा देता हूँ। तो 3.75 इंच पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। तो फ्रेंड्स, 3.75 इंच पे मार्क करने के बाद अच्छे से हमें इस तरह से और ये लाइन को अच्छे से हम फिर मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मार्क कंप्लीट हो गया है। अब ये मार्क के ऊपर अब कटिंग कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कमर का गोलाई कट करेंगे। अब हम ऊपर वाला जो छोटा वाला घेरा उसका हम लेंथ लेंगे। जो लेंथ है 8 इंच रेडी आ रहा है तो इसी हिसाब से 8 इंच हमें चारों तरफ निशान लगा लेना है कमर के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि हमें कमर से गोलाई लेना। अब इसे हम गोलाई के ऊपर हम कट कर लेंगे मार्जिन के ऊपर गोलाई में। तो फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला हमारा घेरा करके तैयार है छोटा वाला। तो अब हम बड़ा वाला घेरा को मार्जिन करेंगे घेरे के ऊपर। तो लेंथ हमारा आ रहा है 13.5 इंच। तो इस तरह से हमें 13.5 इंच में मार्जिन मार्क करते जाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें 13.5 इंच पे हमें चारों तरफ इस तरह से मार्क कर लेना है और ये लाइन को अच्छे से हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड, ये मार्क हमारा तैयार है। इस तरह से फ्रेंड, आप चाहिए तो नीचे वाला घेरे से हिसाब से 6-6 इंच पे मार्जिन आप कर सकते हैं। चलिए फिर इससे हम कटिंग कर लेते हैं नीचे वाला मार्जिन में। तो फ्रेंड, ये हमारा घेरा कट कर तैयार है और यहाँ जो खुला वाला साइड इस साइड में हमें एक कट लगा लेना है सेंटर के लिए। तो फ्रेंड, देखिए हमें इलास्टिक अटैच करते बाद ये हमारा कट काम आएगा। तो चलिए फिर आपको अच्छे से मैं दिखा देता हूँ किस तरह से हमारा टू लेयर वाला घेरा कट कर तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा घेरा इस तरह से कट कर तैयार है। आपको मैं इसका सेटिंग करके दिखाता हूँ किस तरह से हमें सेटिंग करना है। तो फ्रेंड, इस तरह से हमें अच्छे से कपड़े को बिछा लेना है। एक कट टू कट हमें जो है मिलाकर जो कमर के गोलाई में है हम एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर भागे नहीं। तो और फ्रेंड्स, ये दामन में ये लेस भी लगाएंगे। आपके पास जो भी है मैचिंग के हिसाब से आप लगा सकते हैं, चाहिए तो आप पीको भी करा लें। और नीचे भी इस तरह से हमें दामन में लगा लेना है। फ्रेंड्स, फुर्चला कपड़ा है तो आप पीको भी करा लें या फिर चाहिए तो एक दाब का फोल्ड करके मोड़ लें। इस तरह से हमें एक दाब पे कमर का मार गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे पहले। तो फ्रेंड्स, हमें दोनों छोटा बड़ा घेरे को अच्छे से एक एक दाब पे मार्जिन रख के सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा घेरा जो है कमर के गोलाई में जो सिलाई लगा कर तैयार है। तो अब यहाँ से जो है हम लेस लगाएंगे, जो व्हाइट वाला हमारा लेस आपको दिखाया हूँ। इस तरह से हमें एक दाब पे मार्जिन के हिसाब से हम लेस को लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा, आपका अगर फुचरा वाला कपड़ा है तो आप पीको करा लें या फिर आप एक दाब के फोल्ड करके मोड़ लें।
इस तरह से हमारा चार तरह रेस रख के तैयार है। इस तरह से हम आधा इंच एक्स्ट्रा करके हमें फोल्ड करके हमें अच्छे से लॉक कर रहे हैं ताकि हमारा रेस का जो है फुचरा नहीं निकले। तो फ्रेंड्स ये हमारा छोटे वाले घेरे में जो है रेस रख के तैयार है। अब हम नीचे वाले घेरे में रेस लगाएंगे। तो चलिए फिर आपको नीचे वाले घेरे में भी आपको रेस अटैच करके मैं दिखाता हूँ। इस तरह से हमें इससे में भी एक एक दाब का मार्जिन रखते हुए नीचे वाला घेरे को कपड़े को आपको टाइट रखना है। रेस को आपको टाइट नहीं रखना है नहीं तो कपड़ा आपका सिकुड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें एक एक दाब पे सिलाई लगा कर इस तरह से हमें एक इंच ज़्यादा रेस को कटिंग करना है। इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें मोड़ कर रेस को फ्रेंड्स हम लॉक कर देंगे ताकि इसका जो है रेस का फुचरा नहीं निकले। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमें रेस लगा लिया हमें चारों तरफ घेरे में। काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है फ्रेंड्स। आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। चाहिए तो आपके पास दूसरा कोई रेस वो भी आप मैचिंग के हिसाब से लगा लें। तो फ्रेंड्स अब हम जो है कमर के जो है गोलाई नाप लेंगे, उसके हिसाब से हमें इलास्टिक कट करना है, इलास्टिक पट्टी। तो इस तरह से हमें अच्छे से आराम से गोलाई नापना है। गोलाई जो आ रहा है फ्रेंड्स आधे में है तो 12 इंच, तो हमें टोटल 24 इंच चाहिए। तो हमें एक इंच मार्जिन के लिए तो हमें 25 इंच कट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए 3.5 इंच लंबाई है और 25 इंच चौड़ाई है जो एक इंच मार्जिन के लिए। और इलास्टिक का जो है चौड़ाई है 17 इंच और एक इंच इलास्टिक का लंबाई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें एक एक दाब पे इलास्टिक और इलास्टिक पट्टी के ऊपर हमें सिलाई लगाकर हमें अटैच कर लेना है। इस तरह से गोल कर लेना है। तो फिर इस तरह से हमें एक एक दाब पे लगाकर डबल ट्रिपल आप सिलाई लगा ले ताकि इलास्टिक खिंचाते वक्त खुले नहीं। इस तरह से हमें इलास्टिक पट्टी के ऊपर भी एक दाब पे सिलाई लगा लेंगे। तो फिर देखिए हमारा इलास्टिक और इलास्टिक पट्टी गोल हो गया। तो इस तरह से हमें इलास्टिक रखते हुए अटैच कर लेना है एक दाब पे सिलाई लगाकर इसे भी। एक एक दाब पे हमें सिलाई लगा कर गोल हमें इस तरह से इलास्टिक पट्टी के को बना लेना है। तो फ्रेंड ध्यान रखें कि आगे ऊपर नीचे का कपड़ा आगे पीछे नहीं होवे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कभी बहुत क्योंकि होता है कपड़ा आगे पीछे हो जाता है तो कपड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाता है पट्टी। तो इस तरह से हमें रेडी कर लेना है इलास्टिक को। तो फिर इस तरह से हमें इलास्टिक रेडी करने के बाद जो है ये सेंटर में कट लगा, तो इस तरह से हमें कट लगा लेना है। तो फ्रेंड्स दोनों सेंटर में भी इस तरह से हमें घेरे के ऊपर भी एक और कट लगा लेंगे।